समर आ चुका है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर मेजर किए जा रहे हैं। खुद को कूल रखने के लिए आप पूरा दिन पूल में नहीं बिता सकते, इसीलिए नेटफ्लिक्स आपके लिए कुछ नए शोज लेकर आ रहा है, जिसमें स्वीट टूथ का न्यू एंड फाइनल सीजन, हिटमैन, ट्रिगर वार्निंग, एनिमे फैंस के लिए बाकी हानमा वर्सेस केंगन अशूरा और भी बहुत सारे शोज। तो सबसे पहले 5 तारीख को रिलीज हो रहा है क्राइम डॉक्यूमेंट्री हाउ टू रॉब अ बैंक। ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सबसे अच्छे बैंक रॉबर के एक फाइनल हाइस्ट पर बेस्ड है। सेम डे ही रिलीज हो रही है फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी अंडर पेरिस, सेट इन द नियर फ्यूचर समर 2024, जहां पेरिस पहली बार सेन नदी पर वर्ल्ड रेथलॉन चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है। सोफिया, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, उसे पता चलता है कि एक बड़ी शार्क नदी में है। 6 जून को रिलीज हो रही है एनिमे मूवी हानमा बाकी वर्सेस केंगन अशूरा, एक क्रॉसओवर मूवी बाकी हानमा और केंगन अशूरा के बीच, जिसमें बाकी वेरियस फाइटर्स की स्टोरी बताता है। जो प्रोटोगनिस्ट बाकी हानमा सबसे कम उम्र के अंडरग्राउंड फाइटिंग चैंपियन और उसके फादर यूजीरो हानमा अर्थ पर सबसे पावरफुल क्रिएचर के बीच एपिक लाइफ और डेथ क्लैश पर बेस्ड है। सेम डे ही रिलीज हो रहा है स्वीट टूथ का सीजन 3 और ये सीजन कैरेक्टर्स के लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगा और इसके अलावा कास्ट को स्प्लिट करके उनके अलग स्टोरी लाइंस के लिए एक दरवाजा खोल दिया गया है। रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म हिटमैन, ह्यूस्टन में सबसे ज्यादा डिमांड वाला लेकिन सबसे कम भरोसेमंद हिटमैन एक डेस्परेट वोमेन की मदद करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ता है, जो एक अब्यूसिव बॉयफ्रेंड से बचने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो उस औरत के प्यार में पड़ता है, वो खुद को एक क्रिमिनल बनाने लगता है। एक अनबिलीवेबल ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड हिटमैन कहानी है डिसेप्शन, डिलाइट और मिक्स्ड अप आइडेंटिटीज की। इस मंथ के एक और डॉक्यूमेंट्री मिस्ट्रीज ऑफ द टेराकोट वॉरियर्स, टेराकोट वॉरियर्स के रिमार्केबल खोज के 50 साल बाद चाइना के पहले एम्परर की मकबरे की रक्षा करने के लिए बनाई गई मिट्टी के बर्तनों की 8000 सैनिकों की सेना। इस यूनिक आर्कियोलॉजिकल साइट से क्या नए रहस्य सामने आ सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर करेगी एम्परर किनशे क्वांग के एक्स्ट्रॉर्डनरी मकबरे को। 13 तारीख को रिलीज हो रहा है सेकेंड हाफ ऑफ नेटफ्लिक्स फ्लैगशिप हिस्टोरिकल रोमांस ब्रिजर्टन सीजन 3 का पार्ट 2। एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म अल्ट्रामैन राइजिंग, केन साटो एक फेमस लेकिन इगोटिस्टिकल बेसबॉल प्लेयर है जो जायंट सुपर हीरो के रूप में एक सीक्रेट लाइफ जी रहा है। फैंटेसी फिल्म क्लेक्स एकेडमी, एक टीनेज गर्ल अदा मिस्टीरियस क्लेक्स एकेडमी में पहुंचती है, जहां फेरी टेल्स की दुनिया में जाना और इमेजिनेशन की बाउंड्रीज तक पहुंचना पॉसिबल है। वो अपने छिपे हुए फैमिली सीक्रेट का पता लगाने का तरीका भी खोजती है। स्पेनिश क्राइम थ्रिलर गैंग्स ऑफ गैलिसिया, जिसमें एक नई लॉयर कम्बाडोस के एक छोटे से शहर में बसने के लिए आती है। क्लारा लागो और उसकी मौजूदगी किसी के नजर से नहीं बचती, जिसमें तमर नोवस भी शामिल है, जो एक ड्रग ट्रैफिकर का बेटा है। एक्शन थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन अ शॉर्ट स्टोरी बाई ओटेप शमाया, एक स्किल्ड स्पेशल फोर्सेस कमांडो जेसिका एल्बा अपने फादर के डेथ के बाद उनके बार का ओनरशिप लेती है और जल्द ही खुद को एक गैंग के साथ उलझा हुआ पाती है। न्यू ब्रिटिश सुपर हीरो सीरीज सुपरसेल, साउथ लंदन के ऑर्डिनरी ब्लैक पीपल के ग्रुप में अनएक्सपेक्टेडली सुपर पावर्स डेवलप हो जाती है। एंड इस मंथ की लास्ट फिल्म अ फैमिली अफेयर, जारा एक यंग वुमन जो हॉलीवुड स्टार क्रिस कोल की पर्सनल असिस्टेंट है और उसे पता चलता है कि उसके बॉस का उसकी विडो मदर के साथ एक सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप है। तो ये थे इस मंथ रिलीज होने वाले नेटफ्लिक्स के कुछ बेस्ट शोज, जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।